नमस्कार। बहुत समय के बाद मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और मैं जानता हूं कि काफ़ी समय बीत गया है और काफ़ी समय बीतने के बाद जो ये गैप रहा है, इस गैप में मैंने बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें डाली होंगी जिसको देखने के बाद आप काफ़ी मोटिवेट भी हुए होंगे, लेकिन कुछ अलग थलग तरह की चीज़ रही क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त इस तरह की वीडियोस देखना पसंद नहीं कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ना लोगों के रिस्पांस आ रहे थे, ना ही आप लोगों के कोई भी कमेंट्स आते थे। सो मुझे लगा कि यू ऑल आर बिकम एन एक्टर, सो इसलिए मैंने उचित नहीं समझा। लेकिन मेरे अंदर कुछ इच्छाएं होती हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ साझा करता रहूं, तो उसी के सिलसिलेवार तरीके से अगर मैं बात करूं तो आज अगर 2023 चल रहा है अभी और आने वाला जो साल होगा वो 2024 होगा, तो अगर एक टारगेट लेकर चलने के लिए अगर आप तैयार हैं और आप एक्टर बनने के लिए तैयार हैं तो मैं आप लोगों के लिए कुछ एडवाइस लेकर आया हूं कि ज़्यादातर चीज़ें कैसी चल रही हैं इस वक्त और क्या मजबूती के साथ अपने आप को आप एज एन एक्टर बॉलीवुड में ला सकते हैं। दोस्तों 2024 तक अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपना प्रोफाइल मजबूत करना होगा, राइट? प्रोफाइल कैसे मजबूत होगा? काम करके। काम कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो आप ही को देखना है। अब उसके लिए आप कोई थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं से जाकर क्लासेस ले सकते हैं, या फिर कोई वेब सीरीज, सीरियल्स, फिल्म्स, टेलीविज़न, इन सब में काम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपका एक प्रोफाइल बनता चला जाता है और उस प्रोफाइल के ही सहारे आपको काम मिलना शुरू होता है। अगर आप इनिशियल स्टेज की बात करूं तो आप अपने लिए कुछ डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं और एज एन एंकर आप अपने आप को ला सकते हैं। अगर आप एज एन एंकर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी क्योंकि आपके पास एक बोलने की प्रैक्टिस हो सकती है और वो एक बहुत अच्छा ज़रिया हो जाएगा आपको एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और अपने आप को मोटिवेट करने का भी। तो ये चीज़ें बेहद ज़रूरी हो जाती हैं कि आखिरकार आप क्या करें और कैसे करें। तो नंबर वन तो यही रहा कि आप अपना प्रोफाइल मजबूत करें। नंबर टू की अगर मैं बात करूं तो आपको अपना जो ऑडिशन है वो किस तरह से देना है, क्योंकि सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो जाएंगी 2024 में, तो और भी ज़्यादा ऑनलाइन पर विचार किया जाने वाला है। ऑफलाइन तो होगा ही होगा लेकिन ऑनलाइन पर ज़्यादा विचार इसलिए किया जाएगा क्योंकि कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर ये नहीं चाहता कि उसके गेट के आगे भीड़ रहे और वहाँ पर गेट के बाहर आकर लोग खड़े हो जाएं और आके गॉसिप्स करें और फिर वहाँ पर जो है भीड़ इकट्ठा हो जाए, फिर तरह तरह की बातें हों। सो दे ऑल्सो डोंट वांट के भीड़ इकट्ठा हो। सो इसीलिए वहाँ पर जो है अब आपको ऑनलाइन ऑडिशन का ही सहारा लेना होगा, यानी कि अपना प्रोफाइल बनाना होगा नंबर वन। नंबर टू, अपना ऑडिशन जो है आपको प्रोफाइल के तहत जो है बहुत मजबूत करना होगा, यानी कि आपका जो ऑडिशन है, जो देने का तरीका है, जो आप ऑडिशन बना रहे हैं वो काफ़ी जानदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बना दिया और काम चलाओ हो गया, आपको प्रॉपर चीज़ें बनाकर ही प्रेजेंट करनी होगी। नंबर थ्री की अगर मैं बात करूं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका बोलने का तरीका है, जो आपका बिहेव है, वो आपको बहुत सही करना होगा, राइट? 2024 तक अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपका जो बिहेव है वो बहुत अच्छा होना चाहिए एज एन एक्टर और एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो। अगर आप एक्टर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आपका बिहेव वाकई में बहुत साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, दूसरों के साथ भी, अपने साथ भी। अपने साथ भी आपको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि आप दूसरों से अपने लिए करवाना चाहते हैं। ऑलराइट, सो ये दो तीन तरह की बातें जो मैंने आपसे की हैं कि अपना प्रोफाइल मजबूत करें, अपना ऑडिशन मजबूत करें, नंबर थ्री अपना बिहेव अच्छा रखें और ढूंढते रहें। बाकी तो आपको सब पता लग ही जाएगा, आने वाले वीडियोस में हम और भी चीज़ों के बारे में अब बात करते रहेंगे और लगातार कुछ आपके लिए ऐसे ही कॉन्टेंट लाते रहेंगे जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके जो हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से और जो एज एन एक्टर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैं जय हिंद कहूँगा और आप सब लोगों से विदा चाहूँगा कि आने वाले समय में हमारी जितनी वीडियोस आएंगी आप उसको देखते रहिएगा, उतना ही प्यार दीजिएगा जितना पहले दिया करते थे। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एक्टर बने और बहुत सारे जो लोग बन गए हैं उनसे मैं उम्मीद करूँगा कि वो लोग यहाँ पर कॉमेंट करें कि आखिरकार वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे जानकर अच्छा लगेगा कि आखिरकार आप इस वक्त कहाँ हैं।
वैसे आप मेरा ये जो नया लुक देख रहे होंगे इस वक्त, मैंने मूछें रख ली हैं, तो ये सिर्फ फॉर अ वन वीक चैलेंज है मेरे लिए कि मैं अपने आप को क्या एक हफ्ते तक मूछों में रख सकता हूँ। सो इट्स चैलेंज फॉर मी। तो आप भी अपने आप को ऐसे चैलेंज देते रहें, रिस्क लेते रहें। रिस्क लेना ही एक एक्टर की ज़िंदगी का बेहद ज़रूरी पार्ट है। जस्ट डू इट एंड लर्न एवरीथिंग। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। एक बार सब मिलकर बोलिए, हे बॉलीवुड।